हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आई प्लैनेट। ये हमारी एमएस वर्ड की दूसरी ट्रेनिंग वीडियो है। इसके अंदर हम देखेंगे एमएस वर्ड का विंडोज़ का इंटरफेस कैसा होता है, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एमएस वर्ड की फाइल ओपन करके अपनी आज की ट्रेनिंग। तो एमएस वर्ड ओपन कर लें, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कैसे हम तीन तरीके से एमएस वर्ड की फाइल ओपन कर सकते हैं, उसमें से आप कोई भी तरीका यूज़ करके ओपन कर सकते हैं। मुझे टास्क बार में आसान रहता है, जब मैं टास्क बार से ओपन कर रहा हूँ एमएस वर्ड की फाइल। अब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं डिफरेंट ऑप्शन हैं, ये जो इसके पार्ट्स हैं, इसके डिफरेंट टैब हैं, ये क्या क्या होते हैं, हम इसमें इसको देखेंगे। हम खाली ब्रीफली देखेंगे, डिटेल में हम आने वाली वीडियो में इसको हम एक एक करके वन बाय वन इसको देखेंगे क्या क्या होता है, इसका फंक्शन क्या क्या, कैसे इसको हम मैनेज करते हैं, क्या इसका यूजेज होता है। तो सबसे पहले आपको जो सबसे ऊपर नज़र जो आ रहा है, ये जो है हमारा जो है क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसके अंदर जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादा कमांड, उसको हमने आसानी के लिए हम इसमें कस्टमाइज करते हैं। जैसे कि इसके अंदर क्या होते हैं ऑप्शन, सेफ की ऑप्शन होती है, रीडू अंडू की ऑप्शन होती है, और ये क्विक प्रीव्यू की ऑप्शन है। ये मैंने खुद इसको ऐड किया है। इसको ऐड कैसे करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे, इस पर लेफ्ट क्लिक जब हम करेंगे तो ये हमारी सारी ऑप्शन खुल जाती हैं। जब हमने प्रिंट प्रीव्यू में हम अभी देखे, मैंने टिक लगा हुआ, टिक हटा दिया तो यहाँ से ऑप्शन हट गई। अब वापस मैं टिक कर दूंगा तो ये वापस ऑप्शन आ जाएगी। इस तरह हम इसको जो है मैनेज करते हैं। ठीक है, ये क्विक प्रिंट की ऑप्शन है, मैं यहीं से मैंने ऐड की थी, इसके अंदर मैंने टिक कर दिया था तो ये आ गई। अगर टिक हटा दूंगा लेफ्ट क्लिक के जरिए तो ये हट जाएगा। क्विक एक्सेस टूल बार के बाद हम आते हैं फाइल टैब नजर आ रहे हैं, इसको हम बैक स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि बैक स्टेज के जरिए जैसे हम पूरा शो को मैनेज कर रहे होते हैं, पूरा हम शो को चला रहे होते हैं, उससे नहीं फाइल टैब काम होता है, पीछे सारा एक्सेस देता है, कैसे हम वर्ड की फाइल ओपन कर सकते हैं, वर्ड की फाइल की इन्फॉर्मेशन देता है, ओपन कर देता है, कोई हमारे प्रीवियस फाइल न्यू फाइल ओपन कर देता है, सेव करता है, सेव एज की ऑप्शन जिसमें फाइल हम कन्वर्ट करते हैं, प्रिंट के ऑप्शन देता है, शेयर के ऑप्शन देता है, एक्सपोर्ट के ऑप्शन देता है, और यहाँ से हम डॉक्यूमेंट क्लोज भी कर सकते हैं। अगर अभी हम इन्फॉर्मेशन टैब पे खड़े हैं, इन्फॉर्मेशन में टैब में देखें आपको एक्सेस देता है, आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को ताकि कोई और इसको यूज़ ना कर सके। इसके अंदर हम पासवर्ड ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये हमें डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमारे साइज डॉक्यूमेंट का साइज बताया नॉट सेफ येट, क्योंकि अभी हमने कोई सेव नहीं किया। अब हम सेव कर देंगे तो इसका साइज आ जाएगा, जो भी केबी में साइज होगा इसका, जो भी होगा। और जिससे हम पहले फर्स्ट पेज पे खड़े हुए थे, क्योंकि हम खोला था, इसमें कुछ वर्किंग हमने नहीं की, तो पेज वन बता रहा है अभी, और वर्ड तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है इसके अंदर, जीरो वर्ड तो जीरो वर्ड शो कर रहा है, इस तरह सब चीज़ें बता रहा होता है। तो फाइल टैब हमने देखा, अब हम देखते हैं ये देखें। अब आपको फाइल के आगे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये सारी जो ऑप्शन है, ये सारी की सारी आपकी कहलाती हैं रिबन टैब। और ये जो कहलाता है, ये पूरा बॉक्स जो है आपके पास वाइट कलर का, इसके अंदर जो ऑप्शन आ रही है सबकी सब कहलाती हैं रिबन, रिबन टैब, रिबन, और इसके नीचे जो ये नज़र आ रहे हैं ये ग्रुप कहलाते हैं। ये रिबन जो है इन ग्रुपों में डिवाइड हुआ होता है, जैसे कि होम टैब में आपको कौन कौन से ग्रुप मिलेंगे, क्लिप बोर्ड का ग्रुप मिलेगा, इसके अंदर आप पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और ये आपको फंड का ग्रुप मिलेगा, इसके जरिए आप फोन मैनेज कर सकते हैं, इसके जरिए आप अपने टेक्स्ट का, जैसे कि इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं स्मॉल कर सकते हैं, राइटिंग कलर चेंज कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के ऑप्शन है इसके अंदर। अब पैराग्राफ के अंदर हम इसको साइड वे कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, या जस्टिफाई कर सकते हैं हम इसको, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास। या आगे हम देखें ट्रेनिंग करेंगे, उसके अंदर आपको सब चीज़ें बन जाएंगी। तो फिर होम के बाद हमारे पास है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में अब क्या होता है, जैसे कि पेज के ऑप्शन, पेज में हम जो है कवर पेज ला सकते हैं, इसका कोई भी रिपोर्ट लिखते हैं उस कवर पेज आ जाए, ब्लैंक पेज हम नया पेज खोलना चाहें, सादा पेज तो वो खुल जाएगा, पेज ब्रेक जब हम नंबरिंग करते हैं, हम सेक्शन ब्रेक करते हैं, तो उसके लिए हमें पेज ब्रेक के ऑप्शन यूज़ करनी पड़ती है। अब सेकंड जो है टेबल के ऑप्शन है, हम टेबल बना रहे हैं, इसके अंदर टेबल यहाँ इंसर्ट से हम टेबल बना सकते हैं। और उसके बाद जो है ये देखें इलस्ट्रेशन टैब है, पिक्चर के जरिए हम कोई भी अपने डॉक्यूमेंट को इलस्ट्रेट कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं, यहाँ से हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। फिर ये एड इन का ऑप्शन है, विकीपीडिया, स्टोर, आगे देखेंगे इसको। ये कमेंट का ऑप्शन है, हेडर फुटर के ऑप्शन है, हेडर कैसे लगाते हैं, फुटर क्या लगाता है, पेज नंबर कैसे लिखते हैं, सब चीज़ें। और टेक्स्ट में क्लिप आर्ट हो गया, स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना है, डेट लिखेंगे। अब उसके बाद इंसर्ट के बाद हमारा डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब के अंदर हम दो चीज़ें देखते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कैसी होगी और पेज बैकग्राउंड कैसा होगा, ये हमें दोनों चीज़ें मैनेज करता है। ये हमें पेज बॉर्डर सब चीज़ इसके जरिए मैनेज होती है हमारी। अब लेआउट जो होता है,
पेज का लेआउट कैसा होगा, पेज सेटअप जैसे कि मार्जिन कितना रखना है, पेज का साइज क्या होगा, कॉलम कॉलम जैसे कि हम हेडिंग लिखते हैं पूरे एक उस लाइन में आ रहे होते हैं जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, अगर कॉलम ऐड करेंगे तो दो कॉलम में बढ़ जाएंगे हमारा टेक्स्ट, इस तरह होता है। इधर भी देखें ब्रेक के ऑप्शन और पैराग्राफ के ऑप्शन में, पैराग्राफ में कितना स्पेस होगा, दोनों पैराग्राफ के दरमियान क्या होगा, ये सब चीज़ें इसके जरिए मैनेज होती हैं, स्पेसिंग के ऑप्शन, और ये फिर अरेंज किया जाती है। और रेफरेंस जैसे जैसे कि रिसर्चर जो होते हैं, हमने अपना पेपर लिखते हैं तो उसके नीचे में रेफरेंस देते हैं, ये सारी चीज़ें रेफरेंस है उसको अपडेट करने में हमें मदद देता है, उसको इंसर्ट करने में कैसे हम उसको इंसर्ट करते हैं। उसके बाद ये मेलिंग के ऑप्शन, इसके जरिए हम मेल भी कर सकते हैं, और जब मेलिंग वाले ट्रेनिंग लेंगे तो उसमें देख लेंगे मेलिंग में क्या होती है। रिव्यू में जो आपको रिव्यू होता है, कैसे आप गलतियाँ निकालते हैं, प्रूफिंग का जो स्पेलिंग ग्रामर चेक होता है इसके जरिए, वर्ड काउंट होते हैं कितने वर्ड काउंट वर्ड लिखे हैं, कमेंट होता है कहीं हम चीज जैसे कि हम कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं किसी की, तो हमने उसमें पढ़ते पढ़ते हमने न्यू कमेंट ऐड कर दी, यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे ये चीज़ें हमें सही करनी ताकि हम बाद में हमें याद रहे, इस तरह की चीज़ें इससे हम कर रहे होते हैं। और व्यू में जो है आपके पास ये डिफरेंट है, रीड मोड आता है, प्रिंट लेआउट है, नीचे भी अभी हम देखते हैं इसको, तो व्यू में हमें व्यू करने बताते हैं डॉक्यूमेंट कैसा है क्या है। और ये जूटेरो जो है ये एक सॉफ्टवेयर है रिसर्च के लिए, तो हमने ऐड किया ताकि इससे रेफरेंस हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, उसके लिए एडिट में होगा, ये वैसे होता नहीं है। अब जब आप वर्ड इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में तो होगा नहीं, अगर आप जूटेरो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो ये टैब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब देखें हमने रिबिन टैब देख लिया, रिबिन देख लिया, ऐसे ग्रुप देख लिया, अब उसके बाद इसके बराबर में आपको यह टेल मी व्हाट यू वांट टू डू का बॉक्स आ रहा है नजर, ये 2016 से पहले नहीं था, 2016 में इन्होंने फीचर ऐड किया, इस फीचर की वजह से आपका पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट को यूज़ करना बहुत आसान हो गया है। अब जैसे कि इसके जरिए हमें कोई भी चीज़ चाहिए होगी, हम इधर टाइप करेंगे तो सीधा का सीधा वो सब चीज़ें खोल के दे देगा, हमें उस ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं पार्टिकुलर ऑप्शन में कि हमें वो चीज़ यूज़ करनी है। जैसे कि हमें अगर टेबल ऐड करना है तो हमें इंसर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर लिखेंगे टेबल, खुद बखुद हमारे सामने टेबल आ गया, ड्रॉ टेबल करना है आपको, टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है, जो भी लिखना है हमें टेबल बनाना है तो हम टेबल पर क्लिक करेंगे तो खुद बखुद ही ऑप्शन दे देगा टेबल बनाने, इस तरह की। अब जो इसमें ऐड करना चाहें कॉलम हम ऐड कर लेंगे, अभी इसको हटा देने क्योंकि अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, अभी खाली दिखाने के लिए था आपको। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, हमने बॉक्स भी देख लिया, उसके बाद हम सबसे पहले ऊपर देखते हैं जो हमारा जो है टाइटल बार नज़र आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट टाइटल बार होता है, हमें सेंटर में नज़र आता है हर डॉक्यूमेंट का, ये जो इसका लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है आता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट बने अभी हमने कोई इसका नाम नहीं रखा तो डॉक्यूमेंट उनके नाम से इसने बनाई हुई फाइल, और इसके आगे जो है जो नज़र आता है ये एप्लीकेशन का नाम है जिस एप्लीकेशन को हम यूज़ कर रहे होते हैं, किस एप्लीकेशन के जरिए बनाए, तो ये हम एम एस वर्ड यूज़ करें तो ये वर्ड का नाम इसने दे दिया है, वर्ड का डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। तो टाइटल बार हम देखें, टाइटल बार के लेफ्ट साइड में होता है डॉक्यूमेंट का टाइटल, फाइल का नाम, और लेफ्ट साइड में होता है आपका एप्लीकेशन का नाम। ये जो आपको राइट साइड पर कॉर्नर पर नज़र आ रहे हैं तीन ऑप्शन, ये जो होती हैं आपके विंडो कंट्रोल बटन और ऑप्शन होती हैं, इसके जरिए हम पूरी विंडो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सबसे पहले ये ऑप्शन है, ये मिनिमाइज की ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपकी मिनिमाइज हो जाएगी, वापस को क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक तो वापस ये ओपन हो जाएगी, सामने आ जाएगी। उसके बाद ये जो होती है आपकी जो है स्मॉल करने के और फुल स्क्रीन करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमने ये करा ये डॉक्यूमेंट स्मॉल हो गया विंडो साइज में आ गया, अब हम फुल स्क्रीन में जाएंगे इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे, क्लिक करके भाई मैक्सिमाइज हो जाएगा। और ये क्रॉस की ऑप्शन है तो क्लोज करने के लिए हम क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट हमारे क्लोज हो जाएगा बंद हो जाएगा। उसके बाद जो आपको ये नज़र आ रहा है हॉरिजॉन्टल स्केल कराता है और रूलर कर, इसके जरिए हमने पूरा वर्ड के अलाइनमेंट जो है हमने टेक्स्ट के अलाइनमेंट इसको इसके जरिए मैनेज कर रहे होते हैं, हम जब ग्राफ लगाते हैं हमें किस उस पर चाहिए, हमारा टेक्स्ट किस स्केल के दरमियान चाहिए, हमारा टेक्स्ट हमारी पिक्चर हमारी कहाँ पर आनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम इससे इसके जरिए मैनेज कर रहे होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रूलर कराता है, स्केल कराता है, और ये जो है वर्टिकल स्केल और रूलर कराता है, ये सारी हमें मैनेज करने बता देते हैं, हमें आसानी हो जाती है हमें किस सेंटीमीटर में हम कितने स्केल पर रखने हैं अपनी चीज़ें। सबसे मेन पार्ट इसका जो है डॉक्यूमेंट एरिया, ये पूरा ये जो वाइट पूरा पेज जो है ये डॉक्यूमेंट एरिया कहलाता है, इसके जरिए हम जो है डॉक्यूमेंट इसको करते हैं। और ये जो बिलिंग करता है पॉइंट जो आपको नजर आ रही है इंसर्शन पॉइंट कहलाता है, इसके जरिए हम जो है ना इंसर्ट करते हैं हमें टेक्स्ट, बिलिंग जो ऑप्शन हो रही है यहाँ से हम लिखना शुरू होगा, जहाँ भी बिलिंग होगी वहाँ से हमारा टेक्स्ट जो है लिखना शुरू होगा। डॉक्यूमेंट एरिया के बाद हम देखते हैं अपना स्टेटस बार, स्टेटस बार नीचे आपको पेज के नज़र जो आ रहा है ये पेज वन ऑफ वन, और ये एक वर्ड लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है तो इसने बता दिया एक वर्ड लिखा, ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट का स्टेटस बार कहलाता है, यह पूरा डॉक्यूमेंट स्टेटस बार आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या वर्ड लिखे हैं, आप कितना काउंट है इसके। जैसे कि पेज वन ऑफ वन में आपको दिखा रहा है
आपका पहला पेज है, इसका दूसरा पेज में जाएंगे तो ये देखें, हम सेकंड पेज पे चलेगा तो ये इसने टू ऑफ टू लिखना शो करना शुरू कर दिया। वापस हम वन पेज पे आ जाएंगे ऊपर तो ये बोलेगा वन ऑफ टू। देखें इस तरह आपको पूरा डॉक्यूमेंट का स्टेटस बता रहा होता है, और जैसे जैसे हम वर्ड और लिखते जाएंगे तो ये भी बताते जाएगा आपके वर्ड जो है बढ़ते जाएंगे। देखें अब दो वर्ड होगा, इस तरह आपका डॉक्यूमेंट का स्टेटस शो करेगा। उसके बाद हम देखते हैं ये नज़र आ रही हैं, ये यहाँ आती हैं आपकी व्यू ऑप्शन कहलाती हैं आपके डॉक्यूमेंट की। सबसे ये बीच में जो है ये प्रिंट लेआउट होता है, ये हमें दिखाता है आपका पेज जो है जब प्रिंट होगा तो इस फॉर्म में होगा, आपको ऐसा नज़र आएगा जब भी हम यही फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। फिर यहाँ रीड मोड कहलाता है, रीड मोड में क्या होता है आपके आपको कॉलम की शक्ल में एक ही पेज में सब चीज़ दिखा रहा होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाएगा फिर यहाँ पे दिखाएगा, जैसे कि इसको हम देख लेते हैं अभी देखें यहाँ पे दिखा रहे हैं, अगर और लाइन होती फिर ये यहाँ पे दिखा रहा होता, ये पूरा हटा के सबको यहाँ आसानी के लिए दिखा रहा है ताकि एक सेकंड में सब चीज़ आपको नज़र आ जाए। उसके बाद आपका तीसरा जो ऑप्शन है वेब लेआउट की है, ये वेब में बताएगा आपका वेब में टेक्स्ट जो है कैसा लगेगा, कैसे कैसा अगर हम वेब में इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें कैसा जाएगा, कैसी इसकी अलाइनमेंट होगी, ये वो भी दिखा देता है, इससे हमें आसानी हो जाती है। उसके बाद ये जो ऑप्शन आ गया आपका, ये जो जूम बार कहलाता है, इसके अंदर जूम इन और जूम आउट की ऑप्शन होती है, अगर हम माइनस करेंगे तो ये जूम आउट होता रहेगा, अगर हम प्लस की तरफ जाएंगे ये जूम इन होता रहेगा, अब जितना चाहे हम कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फाइल टाइप के बारे में बताएंगे क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, कैसे इनको एक्सेस करते हैं, क्या बैक स्टेज का फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर कैसे हम न्यू फाइल ओपन करते हैं, कैसे हम पुरानी फाइल को ओपन करते हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, कैसे हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट को, कैसे हम डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे।